नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। बहुत लंबे समय से अपनी ऊर्जा का नाश कर रहा हूँ, शरीर को बिल्कुल खत्म कर लिया, शरीर की एक एक हड्डी कटकट कर रही है। अचानक एक दिन आपके ब्रह्मचर्य वाली वीडियो देख ली, अब पता चला ब्रह्मचर्य के बारे में। क्या ब्रह्मचर्य करने से हमें अब फायदा मिलेगा? हमारा शरीर स्वस्थ होगा, शरीर की भरपाई होगी, हमारी जवानी वापस आ सकेगी? ये सब जानने के लिए देखते रहे वीडियो को। और हाँ, अगर वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो पूरा देखे बिना मत जाना, ये 2-3 मिनट की वीडियो आपके जीवन को एक नया मोड़ देगी। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज का युवा ब्रह्मचर्य नाश करने से हजारों बीमारियों का सामना कर रहा है, लेकिन वो इसका समाधान नहीं जानता। अगर जानता भी है तो वो कहता है कि क्या सच में हम इसे करने से, खाने से दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा? वो इन भ्रम में ही रह जाता है। भाइयों, ब्रह्मचर्य नाश से बचने का एक ही समाधान है, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से ही आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। हमारे कहने पर 30 दिन तक ब्रह्मचर्य करके तो देखो, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके सामने होगा। आइए जानते हैं 30 दिन तक ब्रह्मचर्य करने से क्या होगा। मैं आपको मोटे मोटे फायदे बताऊंगा, बाकी जब आप ब्रह्मचर्य करोगे आप खुद ही महसूस करोगे, खुद ही अनुभव करोगे। नंबर एक, आपका शरीर बलवान, शक्तिशाली, ताकतवर बनना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके शरीर में जोश भी आने लगेगा, फुर्ती भी आने लगेगी, जिसको बोलते हैं ना एक्टिव बॉडी। मतलब कि किसी ने कुछ काम कहा, वो आपने तुरंत कर दिया, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। नंबर दो, आपको धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और अभी आपके अंदर ऊर्जा नहीं है तो आप काम करते हुए थक जाते हो, लेकिन जब आपके शरीर में ऊर्जा आ गई तो आप थकोगे नहीं, इसलिए आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। नंबर तीन, कठिन कार्य आसानी से कर दोगे। आपने देखा होगा आजकल जब नौजवानों को कुछ कार्य बताते हैं, उनके माता पिता ही जब कोई कार्य बताते हैं वो कहते हैं ये मेरे बस का नहीं है, असंभव कार्य है, लेकिन ब्रह्मचर्य से वो कार्य आपको आसान लगने लग जाते हैं। जो थोड़ा बहुत सामान होता है ना, जैसे एक कट्टा उठाना है आपको 50 किलो का, और आप करते हो विधिनाश, तो आपसे उठना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो आप उस कट्टे को उठाकर 1 से 2 मिनट में इधर से उधर रख दोगे, कोई थकान नहीं होगी, इतना कार्य आप चुटकी भर में कर दोगे। नंबर चार, जिंदगी भर कभी भी गलत कार्य नहीं करोगे। आपको जो आपने वीर्य का नाश किया है और अब आप वीर्य रक्षा कर रहे हो, तो आपको वीर्य की अहमियत का पता लग जाएगा, इसलिए आप जिंदगी भर कोई भी गलत कार्य नहीं करोगे। नंबर पाँच, अकेले में डर लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आज के समय में नौजवानों को बहुत ज़्यादा समस्या है कि वो रात को अंधेरे में नहीं जा सकते, उनको डर लगता है। अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है, लेकिन मुख्य कारण वीर्यनाश है। देखो, जब हमारे शरीर के अंदर दम ही नहीं है, शक्ति नहीं है, तो हमको अंधेरे में जाते हुए 100% डर ही डर लगना है। नंबर छः, हमारे शरीर में जो स्पर्म काउंट की समस्या होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। देखो, वीर्यनाश करने से हमारे स्पर्म काउंट, जिससे हमारी बच्चे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप वीर्य रक्षा करोगे तो वो आपके दोबारा स्पर्म काउंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नंबर सात, बाल झड़ने, सफ़ेद होने, आंखें कमजोर होना, सब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बाल झड़ने की समस्या और सफ़ेद होने की समस्या भी बहुत सारे नौजवानों के साथ है। मैं आपको एक योगा बताता हूँ, आप शीर्षासन करो, शीर्षासन करने से आपके बाल झड़ने, सफ़ेद होने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और जो आपके बाल झड़ रखे हैं ना शीर्षासन करने से, वो दोबारा आने भी शुरू हो जाएंगे। नंबर आठ, रात को गंदे सपने आना बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिससे कभी स्वप्न दोष नहीं होता। बहुत सारे नौजवानों को स्वप्न दोष भी बहुत होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य करने से ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती है, धातु रोग की भी सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। नंबर नौ, आपकी याददाश्त धीरे धीरे तेज होने लगेगी, जो आपकी मेमोरी पावर है ना, मतलब कि भूलने की जो क्षमता है, आप भूल जाते हो बार बार चीज़ों को, जो भूल याद करने की आपकी क्षमता है वो बढ़ने लगेगी, और जो आपकी भूलने की बीमारी है वो ठीक होने लगेगी। नंबर दस, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। ब्रह्मचर्य करते हुए आप ध्यान तो करेंगे ही, इसलिए ही आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता है। नंबर 11, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक रूप से बलवान हो जाओगे। नंबर 12, समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको समय का अहमियत पता है कि एक एक मिनट कितना कीमती है। नंबर 13, बुद्धि भी तेजी से बढ़ेगी। नंबर 14, चेहरे पर तेज आ जाएगा, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं रहेगा। आपने देखा होगा युवाओं के चेहरे मुरझाए रहते हैं, थकान भरे चेहरे रहते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य करने से आपका चेहरा खिल उठेगा, चमक उठेगा। भाइयों, ये तो मोटे मोटे फायदे हैं ब्रह्मचर्य करने के, लेकिन जब आप खुद ही ब्रह्मचर्य करोगे आपको और सारे, बहुत सारे फायदे अनुभव होंगे। आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ, ब्रह्मचर्य करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको अपने शरीर को जल्दी स्वस्थ करना है तो आप ये जड़ी बूटियाँ भी ले सकते हैं। देखो, मैंने आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही होगी, ये प्रोडक्ट है आरोग्यम द्वारा बनाया गया है, और ये नेचुरल बनाते हैं,
ये अपने मित्र, हमारे मित्र है, उनकी कंपनी है, वो नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं और बड़ी बढ़िया है। इसमें शिलाजीत डली हुई है, केसर डला हुआ है, गोल्ड भस्म है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं ये क्या क्या फ़ायदा करता है। मेल परफॉर्मेंस बढ़ाता है, मेल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल्स ग्रोथ करता है, बॉडी शेपिंग में लाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या दूर करता है, ग्रोथ इन स्पर्म काउंट, ग्रोथ इन टेस्टोस्टेरोन लेवल, ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू ब्लड, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और भी बहुत सारी समस्याएं ठीक करता है। अगर आपको जल्दी फायदे देखने हैं तो आप ये दवाई भी ले सकते हो। जैसे किसी को बहुत जल्दी अपने शरीर को रिकवर करना है तो आप ये दवाई ले सकते हो, बढ़िया है, नेचुरल दवाई है। और ऑर्डर का जो नंबर है, जो आप ऑर्डर करना है, या वेबसाइट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप ऑर्डर कर सकते हो। भाइयों बाकी आप ब्रह्मचर्य करो, ब्रह्मचर्य बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, थोड़ा आपको समय तो लगेगा ठीक होने में। अगर आपको औषधियाँ नहीं लेनी तो थोड़ा धैर्य रखो, आप बिल्कुल बिना दवाई के भी ठीक हो जाओगे। ब्रह्मचर्य करो, सबसे अच्छा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते जल्दी नई वीडियो में।